सपोज करो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट हमने कोहरेंट सोर्स पे किया, आइडेंटिकल सोर्स पे किया। आइडेंटिकल सोर्स में अगर एक सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और दूसरे सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी भी आई नॉट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन पे कितनी है, 4I0 cos² 5/2। ऐसा हमने किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर सोर्स इनकोहरेंट हुआ, इनकोहरेंट का मतलब है आइडेंटिकल नहीं है, अब अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फाई चेंज होता रहेगा, फाई कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। कोहरेंट सोर्स में मान लो दो वेव यहाँ पर मिल रही हैं और अगर फेज डिफरेंस π/3 तो π/3 है। इनकोहरेंट में पता नहीं क्या है, ज़्यादा क्रेस्ट और ट्रफ आ सकते हैं, कभी चेंजिंग है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो फेज डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं, अब पता ही नहीं फेज कितना है, तो cos² 5/2 cos² की एवरेज वैल्यू मैथ्स में क्या होती है, हाफ। तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, हाफ। जब हाफ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2I0। 2I0 का मतलब आप इसको ब्रेक करके लिख लें, 2I0 को लिख सकते हैं I0 प्लस I0। तो इनकोहरेंट का एक शॉर्टकट रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं और एक की इंटेंसिटी I0 दूसरे की I0 है तो इनकोहरेंट सोर्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, I0 प्लस I0 बस। और अगर कोहरेंट होगा तो आंसर क्या होगा, I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 cos(φ), उसमें वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, इसमें सिर्फ I0 प्लस I0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये रिजल्ट आपने याद रखना है।